1971 के भारत पाक युद्ध के अंतिम दिनों में भारतीय सेना को आगे बढ़ते देख पूर्वी पाकिस्तान की सेना हैरान रह गई और उनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन तब तक अमेरिका का प्रसिद्ध सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में पहुंच चुका था। ये स्पष्ट था कि उस बेड़े का उद्देश्य भारत के लिए खतरा पैदा करना था और यदि आवश्यक हो तो पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ लड़ना था। एक संभावित भारत अमेरिका युद्ध सोवियत संघ की हस्तक्षेप से ही ढल सका, जो उस समय की प्रमुख शक्तियों में से एक था। एक तरफ पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन, और दूसरी ओर भारत और सोवियत संघ। ये वीडियो 1971 के भारत पाक युद्ध का लिखित वर्णन है। समस्याएं तब शुरू हुई जब पश्चिमी पाकिस्तान के क्रूर शासन से तंग आकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तानी स्वतंत्रता सेनानियों को ढूंढकर नरसंहार शुरू किया तो सैकड़ों हजारों को भारत में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि भारत लाखों लोगों को आश्रय देने के साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान के घटनाक्रम पर पैनी नजर रख रहा था। भविष्य की ओर देखते हुए भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को अच्छी तरह से पता था कि भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी का अस्तित्व नई दिल्ली के सुरक्षा हितों के सर्वोत्तम हित में नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान के विभाजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बनाई। भारत का निर्णय पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करने और स्थिति की मांग होने पर सैन्य हस्तक्षेप के लिए तैयार रहने का था, लेकिन उस समय शीत युद्ध अपने चरम पर था और पाकिस्तान पश्चिम का सबसे करीबी सहयोगी था। इसलिए भारत ने महसूस किया कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में उसके सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और चीन कदम उठाएंगे और भारत को उन सभी के साथ एक ही बार में लड़ना होगा। भारतीय राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने महसूस किया कि उनका मुकाबला करने के लिए उन्हें एक विश्वसनीय सहयोगी की आवश्यकता है। इसलिए भारत की रणनीति उस समय की एक प्रमुख शक्ति सोवियत संघ के साथ मित्रता स्थापित करने में थी। कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन सहयोगी होता है। इसे बनाए रखने के लिए भारत ने अपनी दो दशक पुरानी गुट निरपेक्ष नीति को अस्थायी रूप से त्याग दिया और सोवियत संघ के साथ 20 साल की दोस्ती और संयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता विदेशी आक्रमण की स्थिति में भारत को सोवियत संघ की सैन्य सहायता सुनिश्चित करने के लिए था। पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानियों को भारत द्वारा प्रदान की गई सहायता की तुलना में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना द्वारा लगाए गए नौसैनिक नाकाबंदी से पाकिस्तान अधिक परेशान था। पूर्वी पाकिस्तान के सैनिकों के लिए समान सामग्रियां पश्चिमी पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते लाया जाता था। हालांकि तत्कालीन भारतीय विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के नेतृत्व में भारतीय नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप आपूर्ति लाइन को प्रभावी ढंग से काटने और बंगाल की खाड़ी की घेराबंदी शुरू करने में सक्षम था। पाकिस्तान के पास एकमात्र विकल्प भारत के साथ एक पूर्ण युद्ध लड़ना था। युद्ध आधिकारिक तौर पर 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ, जब पश्चिमी पाकिस्तान ने अचानक भारतीय क्षेत्र में लगभग 10 हवाई अड्डों पर हवाई हमले किए। लेकिन भारत के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को ऐसे ही एक हमले की उम्मीद थी। इसके बाद भारत ने दोनों मोर्चों पर एक मजबूत सैन्य अभियान शुरू किया और पाक सेना को बड़े झटके लगे। जंग के शुरुआती दिनों में भारतीय सेना की प्रगति के दौरान पूर्वी पाकिस्तान के सारे सैन्य उपकरण टूटकर बिखर गए थे। बंगाल की खाड़ी की नौसैनिक नाकाबंदी के कुछ ही दिनों के भीतर पाक सेना का ईंधन, हथियार और भोजन सहित एक भी आवश्यक वस्तु के बिना दम घुटना शुरू हो गया। युद्ध के शुरुआती दिनों में पाकिस्तानी नौसेना ने भारतीय नौसेना की कैरियर बैटल ग्रुप को नष्ट करने के इरादे से पीएनएस गाजी नामक एक पनडुब्बी को तैनात किया था। 10th क्लास की ये पनडुब्बी उस समय पाकिस्तानी नौसेना का सबसे घातक हथियार था। हालांकि भारतीय नौसेना ने इस कदम को भांप लिया और विध्वंसक आईएनएस राजपूत का उपयोग करके रणनीतिक रूप से गाजी को समुद्र में डुबो दिया। ये महसूस करते हुए कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पाकिस्तान को अपने सहयोगियों माने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और चीन की मदद लेनी पड़ी।
पाकिस्तान के अनुरोध पर निक्सन प्रशासन ने भारत के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में सोवियत संघ के खिलाफ एक तुरुप का पत्ते के रूप में देखा, क्योंकि वे जानते थे कि मित्र वे ही है जो समय पर काम आते हैं। उन्होंने महसूस किया कि भारत के विरुद्ध युद्ध में पाकिस्तान की सहायता करना समय की आवश्यकता है। जैसे ही युद्ध की तैयारियां शुरू हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को हर संभव सहायता प्रदान करने की पेशकश की। इसके अलावा उन्होंने चीन पर पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दबाव बनाया। साथ ही सोवियत संघ ने भारत के खिलाफ हर कदम का विरोध करने की नीति अपनाई। सोवियत संघ ने चेतावनी दी थी कि अगर चीन ने भारत पर हमला किया तो सोवियत संघ उनके सिनजियांग प्रांत पर हमला करेगा। इसके लिए सोवियत सैनिकों को उत्तर पश्चिमी चीन में तैनात किया गया था। इस प्रकार चीन को भारत पर हमला करने के प्रयास से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन को सीधे युद्ध के मैदान में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने भारत के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने और किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की हार को रोकने की रणनीति बनाई। लेकिन सच्चाई ये थी कि अमेरिका और ब्रिटेन को अपनी सेना को बंगाल की खाड़ी में लाने के लिए समय चाहिए था। उसी के हिस्से के रूप में उन्होंने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के सामने पेश किया और भारत को एक अस्थायी युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। निक्सन प्रशासन की रणनीति दुनिया को यह समझाने की थी कि भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने से पहले अमेरिका ने कूटनीति का सहारा लिया था। लेकिन वहां भी सोवियत संघ भारत के बचाव में आया और उसने स्पष्ट रूप से अपना इरादा प्रकट किया कि यहां तुम्हारी दाल नहीं गल सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में सोवियत संघ ने न केवल प्रस्तावों को वीटो किया बल्कि सार्वजनिक रूप से ये भी कहा कि अपने सहयोगी भारत के खिलाफ सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले का विरोध करना जारी रखेगा। 10 दिसंबर 1971 राष्ट्रपति निक्सन ने प्रशांत महासागर में तैनात अमेरिकी 7वें बेड़े को तुरंत बंगाल की खाड़ी में जाने का आदेश दिया। इस बेड़े का प्रमुख दुनिया का पहला परमाणु विमान वाहक पोत USS एंटरप्राइज था। एंटरप्राइज एक बड़ा विमान वाहक पोत था जिसका वजन 93,000 केव टन और लगभग 90 विमानों की वाहन क्षमता थी। जब भारत पाक युद्ध छिड़ गया तो बड़ा वियतनाम युद्ध के हिस्से के रूप में दक्षिण चीन सागर में टोंकिंग की खाड़ी में तैनात था। पेंटागन के आदेश के अनुसार USS एंटरप्राइज के नेतृत्व में 13 युद्ध पोतों और एक परमाणु पनडुब्बी के साथ नंबर 74 नामक एक बड़ी टास्क फोर्स भारत की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में हालांकि समूह को एक दिन के लिए सिंगापुर के एक बंदरगाह में रहना पड़ा। ऐसा इसलिए था कि साथ वाले जहाजों को फिर से साधन सामग्री और ईंधन भरें। अगले दिन बेड़ा मलक्का जल डमरू मार्ग के माध्यम से पश्चिम की ओर आगे बढ़ा। उसी समय सोवियत संघ प्रशांत और हिंद महासागर के ऊपर तैनात जासूसी उपग्रहों के माध्यम से अमेरिकी गतिविधियों की निगरानी कर रहा था। उपग्रहों द्वारा मॉस्को को भेजे गए रियल टाइम इमेजरी के आधार पर सोवियत संघ को यह स्पष्ट था कि बेड़े का गंतव्य हिंद महासागर था। मॉस्को ने हाथों हाथ ये जानकारी नई दिल्ली को दी। इस खबर ने नई दिल्ली को झकझोर कर रख दिया। हालांकि भारतीय राजनीतिक नेतृत्व पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करने के अपने फैसले से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। 12 दिसंबर 1971 को अरब सागर में गश्त कर रहे सोवियत गश्ती विमानों ने अपने मुख्यालय को एक और संदेश भेजा। ये बताया गया था कि ब्रिटिश विमानवाहक पोत HMS ईगल के नेतृत्व में एक बड़ा बेड़ा भारतीय तट को लक्षित करते हुए अरब सागर के माध्यम से नौकायन कर रहा था। उस समय सोवियत संघ के सबसे बड़े सहयोगी और दक्षिण एशिया में अपने आर्थिक और सैन्य हितों की रक्षा करने वाले देश के रूप में उन्होंने भारत को अपनी बहन माना। इसलिए सोवियत राजनीतिक नेतृत्व ने तुरंत अपनी प्रेसिडियम परिषद बुलाई। यदि भारत अनुरोध करता है तो रेड आर्मी की सभी 3 विभागों को युद्ध में तैनात करने के लिए प्रेसिडियम परिषद ने सोवियत संघ के अध्यक्ष कॉमरेड लियोनार्ड ब्रुशनेव को अनुमति दी। सोवियत संघ से ब्रिटिश कैरियर बैटल ग्रुप के आगमन की चेतावनी के बाद नई दिल्ली ने औपचारिक रूप से भारत सोवियत मैत्री संधि की शर्तों के तहत सैन्य सहायता मांगी। सोवियत संघ ने अपनी 3 सेनाओं और अपनी वैश्विक खुफिया नेटवर्क को हाई अलर्ट पर घोषित कर दिया।
सोवियत सेना भारत में विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप करने पर उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए तैयार थी। ये सब वॉइज होते वक्त अमेरिकी मीडिया में भारत विरोधी जोरदार खबरें आने लगी। उनमें से अधिकांश ने पूर्वी पाकिस्तान ने भारतीय हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि कुछ मीडिया आउटलेट्स ने अनुमान लगाया है कि टास्क फोर्स 74 जिसमें परमाणु हथियार रखे गए थे, यदि आवश्यक हो तो भारतीय शहरों में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी की पुनरावृत्ति की आशंकाओं के बावजूद सोवियत संघ ने भारत से सभी अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए दृढ़ समर्थन प्रदान किया। सोवियत संघ ने भारत से वादा किया था कि यदि आवश्यक हुआ तो वे परमाणु हथियारों की आपूर्ति के लिए तैयार रहेगा। उस समय सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास बहुत छोटे परमाणु हथियार थे। आसानी से ले जाने और लगाने में सक्षम ऐसे परमाणु बम स्नूक्स या सूटकेस न्यूक्स कहलाते थे। सोवियत संघ को खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि बंगाल के खाड़ी में आगे बढ़ने वाले टास्क फोर्स 74 के पास समान W-58 परमाणु तोपखाने बम है। यह सोवियत वादा इसके खिलाफ एक बचाव था। इनकी विशिष्टता ये थी कि इन्हें बिना अधिक प्रशिक्षण के लागू किया जा सकता था। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हो तो बम भारतीय नौसेना और वायुसेना को कजाकिस्तान में उनके शरीसागन बेस से कलकत्ता या मद्रास तक पहुंचाए जाएंगे। मॉस्को के समर्थन से और अधिक विश्वास हासिल करते हुए नई दिल्ली ने अभूतपूर्व जोश के साथ पूर्वी पाकिस्तान में अपने सैन्य अभियान जारी रखे। भारत का लक्ष्य ढाका पर जल्द से जल्द कब्जा करना था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो ने यह महसूस करते हुए कि ढाका का नियंत्रण किसी भी समय भारतीय सेना के हाथ में पड़ सकता है, अमरीकी हस्तक्षेप को और तेज करना चाहा। जब भुट्टो ने व्यक्तिगत रूप से न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर से मुलाकात की और मदद मांगी तो निक्सन प्रशासन दबाव में था। अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में इंडोनेशिया के मेडांग बंदरगाह को पार किया था। उन्हें अंडमान सागर तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 दिन और चाहिए थे। इस बात को भांपते हुए पेंटागन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए एक और हथकंडा अपनाया। पेंटागन ने ब्रिटिश रॉयल नेवी की कैरियर बटालियन को अरब सागर के पास पश्चिमी तट के करीब तैनात करने का निर्देश दिया। नतीजतन ब्रिटिश विमानवाहक पोत और उसके अनुरक्षण जहाजों ने भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में एंकर डाला। सोवियत संघ ने ब्रिटिश नौसेना की चाल पर नजर रखने के लिए यमनी द्वीप पर नौसैनिक अड्डे सोकोट्रा से 2 IL-38 ASW विमान भेजे। जैसे ही IL-38 विमान HMS ईगल के नेतृत्व वाली टास्क फोर्स के कुछ मीटर के दायरे में आया, 4 डमी टारपीडो समुद्र में लॉन्च किए गए। ये कदम इस बात का संकेत देने के लिए था कि अगर ब्रिटिश नौसेना भारत पर हमला करने की तैयारी करती है तो उन्हें कुचल दिया जाएगा। विमान के पायलटों में से एक ने HMS ईगल के कैप्टन को भेजे गए एक ऑडियो संदेश में स्पष्ट चेतावनी दी थी। निहितार्थ ये था कि यदि आप हिंद महासागर के भीतर से तुरंत पीछे नहीं हटे तो परिणाम गंभीर होगा। कुछ ही समय में HMS ईगल और उसके अनुरक्षकों को सोवियत युद्धपोतों से संचार संकेत प्राप्त हुए। भारतीय अनुरोध प्राप्त होने पर सोवियत संघ ने अपनी नौसेना को अरब प्रायद्वीप के तट से भारत के पूर्वी तट पर भेज दिया। ये भारी क्रूजर विध्वंसक और जासूसी के साथ एक विशाल जहाज था। जैसे ही HMS ईगल टोही विमान ने सोवियत बेड़े की तस्वीरें ली, ब्रिटिश वाहक समूह ने दिशा बदल दी और दक्षिण की ओर डियागो गार्सिया की ओर बढ़ गया। ब्रिटिश खतरे निपटाए जाने के साथ सोवियत नौसेना ने भारत के पूर्व में अपनी यात्रा जारी रखी, उत्तर में श्रीलंका की ओर बढ़ते हुए और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के पास बस गए। 15 दिसंबर 1971 को US 7th फ्लीट की टास्क फोर्स 74 ने मलक्का जल डमरू मार्ग को पार किया और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश किया। उन्हें पहले ब्रिटिश नौसेना और अमेरिकी नौसेना खुफिया से चेतावनी मिली थी कि सोवियत नौसेना बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में तैनात थी, इसलिए टास्क फोर्स 74 को बड़ी सावधानी से आगे बढ़ाया गया। उस दिन की दोपहर तक सोवियत नौसेना के संचार संपर्क 7वें बेड़े के लिए उपलब्ध हो गए। ये स्पष्ट हो गया था कि मामले उस तरह नहीं चल रहे थे जैसे वॉशिंगटन ने पहले सोचा था।
श्रीलंका के उत्तर में तैनात सोवियत नौसेना ने पहले ही अमेरिकी टास्क फोर्स को नियमित चेतावनी संदेश भेजना शुरू कर दिया था। इन संदेशों के जरिए सोवियत नौसेना बंगाल की खाड़ी से अमेरिकी टास्क फोर्स को वापस जाने की मांग कर रही थी। ये जानने पर अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने सोवियत संघ के साथ युद्ध छेड़ने की धमकी दी, लेकिन ब्रेशनेव अड़े रहे। निक्सन को ब्रेशनेव ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया था कि यदि अमेरिकी नौसेना भारत के खिलाफ एक छोटी उंगली चलती है तो सोवियत संघ भारत की रक्षा करेगा। इसके बाद निक्सन ने सातवें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ने का निर्देश दिया, लेकिन उन्हें चौंकाने वाला जवाब मिला। सर, हमें बहुत देर हो चुकी है। सोवियत संघ ने अब हमारे खिलाफ अपनी परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। अब हम उनकी पहुंच में हैं। प्रतिक्रिया ब्रिटिश वाहक समूह द्वारा टास्क फोर्स 74 को भेजे गए संदेशों पर आधारित थी। उस समय बंगाल की खाड़ी के घटनाक्रम ने उस संदेश की पुष्टि की। नौसेना के अलावा सोवियत नौसेना ने अपने प्रशांत बेड़े के हिस्से के रूप में गुप्त रूप से व्लादिवोस्तोक से दो परमाणु पनडुब्बियों को बंगाल की खाड़ी में भेजा था। चार दिनों के भीतर पनडुब्बियां अपने बेड़े में शामिल हो गईं, जो श्रीलंका के पास तैनात थी। अधिक से अधिक परमाणु पनडुब्बियों के आगमन के साथ बेड़ा घातक हो गया और अमेरिकी टास्क फोर्स की कक्षा में मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयारी में अधिक से अधिक पूर्व की ओर बढ़ गया। घंटों के भीतर सोवियत पनडुब्बियां समुद्र से सतह पर उठी और सातवें बेड़े के सामने आगे बढ़ने लगी ताकि वे स्पष्ट रूप से देख सके। सोवियत नौसेना ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ताकि अमेरिकी नौसेना टास्क फोर्स किसी भी कीमत पर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश न करे। संक्षेप में उन्होंने वहां जो लागू किया वह समुद्र का पूर्ण निषेध था। इस डर से कि स्थिति तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है, अमेरिकी टास्क फोर्स को बंगाल की खाड़ी से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। परमाणु हथियार ले जाने वाली सोवियत परमाणु पनडुब्बियों के इस अप्रत्याशित आगमन की संयुक्त राज्य और ब्रिटेन के राजनीतिक नेतृत्व को उम्मीद नहीं थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि भारत के खिलाफ उनकी सैन्य कार्रवाई के जवाब में सोवियत संघ उन्हें परमाणु हथियार से जवाब देगा। इसके साथ ही ये देश इस सामरिक बिंदु पर आ गए थे कि अमेरिकी नौसेना और ब्रिटिश नौसेना पूर्वी पाकिस्तान में फंसे अपने ही नागरिकों को बचाने के लिए हिंद महासागर में पहुंच गई थी। 17 दिसंबर से 9 जनवरी तक बंगाल की खाड़ी में तैनात सोवियत नौसेना ने टास्क फोर्स 74 को एक भी कदम आगे बढ़ने से इनकार करते हुए उसी क्षेत्र से धकेल दिया। जब हिंद महासागर दो सर्वोच्च शक्तियों के लिए एक दूसरे के साथ जंग लड़ने का मंच बन रहा था, तब पाक सेना भारत के सामने घुटने टेक कर रहम की भीख मांग रही थी। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना के सामने लगभग 1,00,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के साथ बांग्लादेश युद्ध समाप्त हुआ और बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का सपना हकीकत में बदल गया। इस पूरे समय बांग्लादेश के पूर्वी तट पर तैनात INS विक्रांत ने युद्ध को इतनी जल्दी खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय नौसेना ने यदि आवश्यक हो तो सातवें बेड़े के साथ भी दांत के लिए दांत की नीति का पालन करने का निर्णय लिया था। इसके लिए भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में भारी टॉर्पीडो लेकर दो विध्वंसक स्थापित किए थे। भारतीय सेना की अनिच्छा ने यह स्पष्ट रूप से दुनिया को दर्शाना संभव किया कि दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, डर के मारे उनके सामने हम घुटने कभी ना टेकेंगे। लेकिन सोवियत नौसेना के आगमन से ऐसा नहीं हुआ। यदि सोवियत सहायता ना होती तो बांग्लादेश युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। 50 वर्षों के बाद भी वह स्मृति भारतीय विदेश नीति में आज भी स्पष्ट है। जय हिंद।